और इमामुल महदी इन आंखों से नज़र नहीं आएंगे, इन आंखों से नज़र आएंगे, इन आंखों से नज़र आएंगे। अगर आपको ये जुल्म से ज्यादती से भरी हुई ये ज़मीन नज़र नहीं आती तो जाएं उन यमन के बच्चों से पूछें जो भूख और प्यास से बिलकते बिलकते इस ईद पर मारे गए। आपके सीनों पे आज अगर खंजर नहीं चले तो जाएं उन फलस्तीनियों से पूछें, उस फितने से डरो, उस अजाब से डरो अल्लाह के जो सिर्फ फिर तुम में से उन लोगों पर नहीं आएगा कि जिन्होंने जुल्म किया है, वो सब पर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुज़री रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल-महदीयु मिन्नी अजलल जबहती अक़नल अन्फी यमलउल अर्दा क़िस्तं व अदलन कमा मुलिता जौरं व ज़ुल्मा यमलिकु सबअ सिनीन। हज़रत अबू सईद खुज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत कर रहे हैं कि इमामुल महदी चौड़ी पेशानी वाले और ऊंची नाक वाले होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो वो आगे बयान फरमा रहे हैं कि वो ज़मीन को, अल्लाह की ज़मीन को अदल और इंसाफ से ऐसे भर देंगे जैसे वो जुल्म और ज्यादती से भरी हुई होगी। यानी इमामुल महदी उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब ये ज़मीन जुल्म और ज्यादती और अंधेर नगरी और चौपट राज और जुल्म और ज्यादती से भर चुकी होगी। आज आपको ये हदीस सुनाने का मकसद, हम सब सोचें क्या ज़मीन ज़ुल्म ज़्यादती से भर नहीं चुकी? इस्लामाबाद जैसे पुरसकून और बाकायदा और डिसिप्लिन शहर के अंदर दिन दिहाड़े हमारी बच्चियों के सर कलम किए जा रहे हैं, दिन दिहाड़े यहाँ पर कत्ल हो जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़मीन जुल्म और ज़्यादती से अभी नहीं भरी तो ये अल्लाह की आपके ऊपर रहमत है कि अभी जुल्म और ज़्यादती आपके घर में दाखिल नहीं हुई, वरना बाहर निकल कर देखें, अपनी गली को क्रॉस करें, हर घर के अंदर जुल्म है, हर घर के अंदर ज़्यादती है। घरों से बाहर चले जाएं, घरों से बाहर निकलें, आपको गली गली में शोर नज़र आएगा, गली गली में खून नज़र आएगा। अगर आपको ये ज़मीन जुल्म और ज़्यादती से भरी हुई नज़र नहीं आती तो जाएं उस ज़ैनब के बाप से पूछें जो हज करने गया हुआ था और उसकी बेटी का क्या हाल हुआ। अगर आपको ये ज़मीन जुल्म और ज़्यादती से अब भरी हुई नज़र नहीं आती तो जाएं कसूर की बच्चियों से पूछें। अगर आपको ये जुल्म से ज़्यादती से भरी हुई ये ज़मीन नज़र नहीं आती तो जाएं उन यमन के बच्चों से पूछें जो भूख और प्यास से बिलकते बिलकते इस ईद पर मारे गए। अगर आपको ये ज़मीन जुल्म और ज़्यादती से भरी हुई नज़र नहीं आती तो अपने इस गरेबान में झांकिए कि आपके भाई सदाम हुसैन को सरेआम फांसी पर लटकाया गया, कोई उफ करने वाला नहीं था। अगर ये ज़मीन जुल्म और ज़्यादती से भरी हुई आपको नज़र नहीं आती तो आपका एक लीडर, वो आपका ही भाई था, जैसा भी था, गटर से निकाल कर मारा गया, मुअम्मर कज़ाफ़ी के नाम से उसे जानते हैं हम। अगर आपको ये ज़मीन जुल्म और ज़्यादती से भरी हुई नज़र नहीं आती तो जाएं पूछें उन बच्चों से जिनके बापों को उनके उनकी नज़रों के सामने गाड़ी के अंदर कत्ल कर दिया गया। और कत्ल किसने किया? CTD ने, पाकिस्तान की फ़ोर्स ने, इंसाफ कायम करने वालों ने। अगर आपको ये ज़मीन जुल्म और ज़्यादती से भरी हुई अब भी नज़र नहीं आती तो जाएं उन कश्मीरियों से पूछें, जाएं उन कश्मीरियों से पूछें जहां ईद वाले दिन दिन दिहाड़े उनके नौजवान बच्चों को शहीद कर दिया गया। अगर ये ज़मीन आपको जुल्म और ज़्यादती से भरी हुई आज भी नज़र नहीं आती, आपके सीनों पर आज अगर खंजर नहीं चले तो जाएँ उन फ़लस्तीनियों से पूछें, जाएँ उन फ़लस्तीनियों से पूछें जो अरबों को अपना भाई समझते थे,
जो अरबों को अपना भाई समझते थे, ना सिर्फ रिश्ते में भाई बल्कि दीनी भाई भी समझते थे, बल्कि खित्ते और कित्ते की रिलेशनशिप भी मौजूद थी और हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री भी मौजूद थी, लेकिन अपने ही भाइयों ने उनके 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 अपने ही सीनों में खंजर घोंप दिए और जाके इसराइल के साथ पैक्ट कर लिए, बजाय इसके कि वो मस्जिद अक्सा जो कभी मुसलमानों का किबला अव्वल हुआ करता था, उसकी हिफाजत करने के बजाय, उसको छुड़ाने के बजाय, उसके लिए कोशिश करने के बजाय जाकर इसराइल के साथ पैक्ट कर लिया। अगर आपको ये ज़मीन अब भी जुल्म और ज़्यादती से भरी हुई नज़र नहीं आती तो अपना टैक्स का निज़ाम देखें, अपना करेंसी नोट्स देखें, जो आपके बैंकों से आपको पता भी नहीं चलता, आप सो रहे होते हैं और आपके पैसे लूट कर ले जाते हैं। अगर आपको ये ज़मीन अब भी जुल्म और ज़्यादती से भरी हुई नज़र नहीं आती तो जाएं अपना एजुकेशन सिस्टम देखें, जो आपके बच्चों को आपकी गोदों से छीन कर मगरिब के गोद में डाल रहे हैं। अगर आपको ये ज़मीन आज भी जुल्म और ज़्यादती से भरी हुई नज़र नहीं आती तो जाएं अपनी हमसाए में रहने वाली उस बहन से पूछें जिसका आपने खुद हिस्सा नहीं दिया आज तक। अगर आपको ये जुल्म और ज़्यादती से भरी हुई ज़मीन नज़र नहीं आती तो वल्लाह अल्लाह हमारे दिलों के ऊपर से कफ़ल हटाए, अल्लाह हमारे दिलों के ऊपर से पर्दों को हटाए, या अल्लाह हमारे दिलों को खोल दे, या अल्लाह हमें ये ज़मीन के ऊपर फैला हुआ जुल्म नज़र आ जाए इससे पहले कि ये जुल्म हमारे घरों तक पहुँचे। और याद रखिए कि ज़मीन के ऊपर जो भी ज़्यादती जुल्म तकलीफ़ होती है वो सब के सब इंसानों के हाथों की कमाई होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है वमा असाबकुम बिमुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत परेशानी मुश्किल आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। और याद रखिए कि जब अल्लाह का अजाब, अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी तकलीफ आती है तो वो सिर्फ उन लोगों के ऊपर नहीं आती जो जुल्म करते हैं, वो हर एक को फिर लपेट में ले लेती है। अल्लाह ताला बयान कर रहा है कुरान में वत्तकु फितनतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमु मिनकुम खासा, कि उस फितने से डरो, उस अजाब से डरो अल्लाह के जो सिर्फ फिर तुम में से उन लोगों पर नहीं आएगा कि जिन्होंने जुल्म किया है, वो सब पर आएगा। फिर क्या करें, उठें आंखें खोलें, एक दूसरे को जगाएं, पास पास होने वाले जुल्म को रोकें और सबसे पहले इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ये ज़मीन जुल्म और ज़्यादती से भर चुकी है और ये इमामुल महदी के ज़हूर का ऐन वक्त है और इमामुल महदी इन आँखों से नज़र आएंगे और ये आँखें अल्लाह से मांगिए। मैं नहीं कहता कि मुझे आँखें मिल गई हैं वो, लेकिन अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सब को वो तौफीक अता फरमाए, हम सब को इमामुल महदी को पहचानने और उनको ढूंढने और उनका हरावल दस्ता बनकर उनकी बात फैलाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।